और पटाखे लेके जाओ और अच्छे से दिवाली एंजॉय करो। तीन इसमें वो मिलेंगे डंडे और ये ऊपर जाके फटते हैं स्काई शॉट की तरह। 2000 की बिछाने वाली लड़ी आप देख सकते हैं, 2000 लोकल जो वहाँ पे बेचते बेचते हैं गांव में, ये लिए थे। और ये हैं 8 शॉट के दोस्तों 8 शॉट इसमें निकलते हैं ऊपर जाके। तो और ये बच्चे ज़्यादा फोड़ते हैं तो हमने सोचा चलो अपने गली के बच्चों को भी बांट दिया जाएगा। ये हमें पड़ा है हमारे पॉपअप जो बच्चों के लिए है, पॉपअप पटाखे जो मारते। वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। गाइज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। दोस्तों आज हम लेने जा रहे हैं बम पटाखे। जैसे कि आपको पता है 24 या 25 तारीख में दिवाली है, छोटी बड़ी दिवाली, और इस साल हर त्यौहार दो दिन मनाए जा रहे हैं। तो भाई आज हम लेने जा रहे हैं पटाखे। तो जैसे कि आपने दोस्तों सुना ही है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है पटाखे बेचना, बिल्कुल बैन कर दिया है। तो दोस्तों वो वाली जो पटाखे हैं वो खाली लाइसेंस वाली दुकानों पर मिलेंगे। तो हम जा रहे हैं लाइसेंस वाली दुकान पर और देखते हैं वहाँ पे कैसे कैसे पटाखे मिलते हैं। अगर आपको आना होगा तो मैं आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप उसको ट्रैक करके भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम दुकान पे। और मैं बता दूं आपको, अभी मैं खड़ा हूँ गाजियाबाद वाले फ्लाईओवर पे। तो अभी हम जा रहे हैं, बाकी मैं आपको वहीं जाके बताऊँगा कि हम जा कहाँ रहे हैं और मैं अभी कहाँ पर खड़ा हूँ, वो वहीं जाके बताएँगे जहाँ हम पटाखे लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूँ जहाँ पर हम बम पटाखे लेने जा रहे हैं, अभी से लेने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बताते हैं कि महंगे हो जाते हैं अगर हम उसी समय पर जाएँ। तो हम इसलिए 10 या 9 दिन पहले ही जा रहे हैं वहाँ पे पटाखे लेने, क्योंकि हमें सस्ते मिल जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा पटाखे लाने की संभावना करेंगे। दोस्तों साल में एक ही बार त्यौहार आता है, क्यों ना अच्छे से इसको एंजॉय किया जाए। तो अभी चलते हैं अभी वहाँ जाके, और मैं वहाँ जाके दिखलाता हूँ आपको कितने सस्ते हैं और कितने महंगे पटाखे हमें मिले हैं। तो चलते हैं दोस्तों। पटाखे की दुकान पे जो लाइसेंस की शॉप है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पीछे बोर्ड लगा हुआ, मैं आपको बैक कैमरे से दिखला दूंगा अगर आपको नहीं दिखेगा तो आपको दिख ही रहा होगा, मैंने बैक कैमरे से दिखला रहा हूँ आपको, पटाखे ही पटाखे। और ये यहाँ पे है दुकान, और ये दोस्तों यहाँ है दुकान। और दोस्तों ये बाहर की साइड है जो मतलब देसी पटाखे बेचते हैं, ये भैया खड़े हैं, वो भैया वहाँ पर खड़े हैं, ये सब देसी पटाखे बेचने वाले हैं जो इलीगल है। और जो ये जो पटाखे लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पे लीगल पटाखे मिलते हैं, बम मिलते हैं यहाँ। और बाकी जो आप पीछे देख रहे हैं वो पीछे दुकान है। तो अभी दोस्तों जाता हूँ अंदर और वहाँ पे जाके देखता हूँ क्या रेट है। और अगर दोस्तों अगर वहाँ पे वीडियो बनाने नहीं देते तो मैं आपको अलग से बता दूँगा कि बम क्या रेट पर मिल रहे हैं, क्या रेट पर नहीं। और जो मैं जहाँ पर अभी आया हूँ, मैं आया हूँ लोनी के फ़ारूक़ नगर में। और फ़ारूक़ नगर में आप पीछे देख ही रहे होगे, वो मैं आपको एड्रेस समेत आपको दिखला दूँगा। अगर आपको पटाखे लेने हैं यहाँ पर, लाइसेंस थ्रू पटाखे मिल रहे हैं जो गवर्नमेंट ने लीगल कर रखे हैं। और बाकी बाहर भी पटाखे मिलते हैं, पर बाहर गांव के बंदे बेचते हैं, वो बिल्कुल इलीगल है दोस्तों, उनसे लेना भी मत, हाथ में बम पड़ जाते हैं। इनकी कंपनी के पटाखे मिलते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाल दूंगा, ठीक। तो आप लोकेशन ट्रैक करके भी आ जाना, तो मैं आपको इनका एड्रेस दिखला देता हूँ, बाकी लोकेशन से तो आप आ ही जाना, लोकेशन दोस्तों एकदम ठीक रहेगा आपके लिए। तो भाइयों आपको ये दिख रहा होगा जिस नाम से दुकान है, और ये यहाँ पर आपका एड्रेस आप पढ़ सकते हैं, खसरा नंबर 58 असालतपुर फ़ारूक नगर, ठीक है दोस्तों। तो अभी चलते हैं बाहर, और बाहर भी कुछ बंदे पटाखे बेच रहे हैं, लेकिन वो दोस्तों देसी पटाखे हैं, उनसे लेना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। तो यहाँ से बिल्कुल लें, लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो भाइयों आप भी यहाँ पर आओ और पटाखे लेके जाओ और अच्छे से दिवाली इंजॉय करो, ठीक है। और बाकी जो मैं आपको बता रहा था जो बाहर के बंदे पटाखे बेच रहे हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ से ज़रूर ले, पटाखे ही पटाखे जो लिखा हुआ है और देख सकते हैं। और हमने पटाखे ले लिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, ये तीन कट्टे हैं, और पीछे हमारी दुकान है जो मैं आपको बता रहा था। तो दोस्तों सुबह आए थे और देख सकते हैं आप, शाम हो गई है और हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और आपको अनबॉक्सिंग करके दिखलाऊँगा, मैं सुबह दिखला दूँगा वीडियो एडिट करके, बाकी कोई बात नहीं, टाइम मिला तो मैं फ्लैश लाइट जला के अभी भी आपको दिखला दूंगा कि कितने रुपए का हर पटाखे का, हर बम का रेट मैं आपको इसमें शो करवा दूंगा कि कितने का क्या है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आते समय वहाँ से बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, जिस कारण मैं आपको बम का रिव्यू नहीं दे पाया, लेकिन
मैं अपनी छत पे हूँ तो मैंने सोचा चलो छत पे ही बम का रिव्यू दे देते, तो हमारे सारे पटाखे ये रहे। तो दोस्तों मैं अब आपको वन बाय वन बताऊंगा कि मेरे को वहाँ से उसकी दुकान से लाइसेंस वाली दुकान से कितने का एक पटाखा पड़ा और कितने का ही मिला। तो उसको वहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी पटाखों की, तो आपको दिखलाता हूँ। ये है हमारा 3-in-1 कॉर्नेशन का, 3 इसमें वो मिलेंगे डंडे और ये ऊपर जाके फटते हैं स्काई शॉट की तरह ये। और ये हमें पड़ा था दोस्तों 500 रुपये का, और वहाँ पे बम बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, ये मैं समझ रहा महंगे है, लाइसेंस वाले दुकान है। तो ये हमें पड़ा था 500 रुपये का। और मैं आपका, और दोस्तों ये है 2000 की बिछाने वाली लड़ी, आप देख सकते हैं 2000 रेड गेंट के नाम से है, 2000 की लड़ी ये हमें पड़ी थी 700 रुपये की, देख सकते हैं आप, ये भी बहुत बेस्ट प्राइस पड़ा, चीप प्राइस। और दोस्तों ये जो मुर्गा छाप है ये हमने लिए 4 पैकेट, तो इसके 50 रुपये का एक लगा। और जिसको दोस्तों ये बोलते हैं देसी बम भी मैंने ले लिए थे वहाँ से, जो जहाँ से लोकल जो वहाँ पे बेचते बेचते हैं गांव में, तो ये हमें पड़ा है 120 रुपये का, आप देख सकते हैं। तो ये हमने 15 पीस लिए, और मैं बताऊँगा आपको टोटली पटाखे हम और बम कितने के लेके आए। और ये कुछ बच्चों वाले हैं जिसको पेंसिल बम बोलते हैं, ये एक पीस पड़ा है 50 रुपये का। और दोस्तों फुल जड़ी बच्चों वाली देख सकते हैं आप, ये भी 140 रुपये की पड़ी है वहाँ पे। और गैस ये अनार है, एक डिब्बा 150 रुपये का, तो हम 5 डब्बे लेके आए हैं। तो बहुत दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस था वहाँ पे, ये नहीं है कि महंगी है महंगा है या दिवाली आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा चीज़ एकदम बढ़िया थे। ये बड़ी फुलझड़ी थी, एक पीस 60 रुपये की मिली हमें, हमने 5 ले ली। साथ ही साथ ये वाली सेम, ये छोटी ये बड़ी वो उससे छोटी थी। और कुछ हमने स्काई शॉट भी लिए, ये स्काई शॉट हमें पड़ा है 400 रुपये का, तो हमने 2 ये लिए थे। और ये हैं 8 शॉट के दोस्तों 8 शॉट इसमें निकलते हैं ऊपर जाके, तो ये थे। और एक स्काई शॉट हमने और लिया था, वो था ये दोस्तों, इसमें 12 शॉट हैं, आप देख सकते हैं इसमें लिखा होगा 12 शॉट, तो ये 12 शॉट ऊपर जाके फटते हैं। और गाइस एक ये था बच्चों वाला जिसको चटर पटर बोलते हैं, ये 100 रुपये का पूरा डंडा था, 10 पीस है इसमें, 100 रुपये का है। और गाइस ये है एक बीड़ी बम जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये बच्चे ज़्यादा फोड़ते, तो हमने सोचा चलो अपने गली के बच्चों को भी बांट दिया जाएगा, ये हमें पड़ा है 200 रुपये का। तो ये 2 पीस ले लिए थे हमने दोस्तों। सबसे ज़्यादा फेमस है ये हमारे पॉपअप, जो बच्चों के लिए पॉपअप पटाखे जो मारते हैं दीवार में तो फूट जाते हैं, ये लिए हमने 2 डब्बे, 400 रुपये का एक डब्बा पड़ा, 800 रुपये के 2 हो गए। सबसे ज़्यादा डिमांड है हमारे एक सी बम की, नाजी बम की, तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे कितने का पड़ा, 150 रुपये का नाजी बम, उनकी होलसेल की दुकान से जो हम लेके आए हैं, 150 रुपये का हमें मिला, हमने लिया 25 पीस। तो इस साल दिवाली बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बनाएंगे। और अब मैं आपको बता रहा हूँ टोटली पटाखे कितने के हुए हमारे, टोटली जो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है आप यहाँ देख रहे हैं, ये टोटल 18,000 रुपये के हमारे पटाखे आए हैं इतने से ही। तो महंगे भी हैं कुछ, सस्ते भी हैं और प्लस आप देख ही सकते हैं इतने ही है, जो है हमारे पास यही है। तो दोस्तों अगर आपको वहाँ पर जाना होगा, विज़िट करना होगा, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाल दूँगा, आप वहाँ जाके भी पटाखे ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाएगा। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, लौटूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसी वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।